दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। और ये जो गुड न्यूज़ है दोस्तों, ये जो खुशखबरी है वो एक्चुअली जो है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए। जैसा आपको मालूम है कि मैंने हफ्ते 10 दिन पहले कुछ एक वीडियो डाला था, और उस वीडियो में मैंने बताया था, कहा था, मेरे मम्मी और पापा भी थे उस वीडियो में, मैंने कहा था कि जो भी गांव घर के देश के देसी लोग हैं, गांव घर के देहात के रहने वाले जो लोग हैं, यदि आप में से कोई अपनी बहन बेटी का रिश्ता या शादी करना चाहता है, किसी कारणवश शादी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनके पास पैसों की समस्या हो या फिर कोई एक ऐसा कारण हो कि वो अपनी बहन बेटी का शादी या रिश्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो में साफ और स्पष्ट कहा था कि भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगर ऐसी कोई समस्या है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ये बात मैंने कहा था और साफ कहा था कि यदि आप में से कोई चाहता है कि मैं आपकी बहन बेटी के शादी के लिए रिश्ता खोज के लेकर आऊँ, जैनवान और वास्तविक और हकीकत एक ऐसा रिश्ता लेके आऊँ जहाँ पे आपको ना ही ब्याज देना है, अरे सॉरी ब्याज कह रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं भाई, हाँ क्या कहते हैं यार उसको, दहेज नहीं देना हो, सॉरी ब्याज नहीं, दहेज, जहाँ पे आपको दहेज मुक्त रिश्ता चाहिए और लड़का जो चाहिए वो पढ़ा लिखा हो, सरकारी जॉब वाला हो, या फिर मतलब शादी वगैरह हो गई एक दो, या वैसा चाहिए, या फिर आपको एक नशा मुक्त चाहिए, जैसा भी आप चाहें। अगर उस प्रकार का, यदि आपको कोई भी ऐसा रिश्ता चाहता है, मैंने ये बात लड़की के पक्ष वालों को कही थी, तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे यहाँ पे सिर्फ फ़ोन करके उनकी जानकारी दे सकते हैं कि सर रवि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी ये बेटी या मेरी ये बहन है, मैं इनकी शादी के लिए रिश्ता देखना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे कोई रिश्ता अगर अच्छा होगा तो आप मुझे सुझाव के रूप में बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो का या इस काम का जो रिस्पॉन्स है अभी मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी मेरे पास कई ऐसी कॉल्स, कई ऐसी वीडियो आई, सॉरी कई ऐसे कॉल्स आए, कई ऐसे रिश्ता आए जिसमें लोगों ने मुझे बताया है कि भैया हमारी ये डिमांड है कि हमें पहला तो दहेज रहित रिश्ता चाहिए, दूसरी बात अगर कोई बहन बेटी पढ़ी लिखी है तो वो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई रिश्ता हो बता देना, या फिर कुछ लोग ऐसा करें भैया हम बहुत गरीब परिवार के लोग हैं और कोई ऐसा रिश्ता बताइएगा कि जो हमारे शादी ब्याह के हमारी बहन बेटी का खर्च भी अगर 10-20-30-40-50 हज़ार रुपया उठा सकते हैं तो और भी अच्छी बात हो, लड़का मतलब किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हो, या थोड़ा दूर का भी रहेगा चलेगा, अदर कास्ट का भी चलेगा, लेकिन इंसान एक बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे कई सारे मेरे पास रिक्वेस्ट या कॉल्स आई हैं, और आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि मुझे आप में से जिस भी व्यक्ति की प्रोफाइल लगेगा कि अच्छी है, जो प्रोफाइल आपकी उनसे मैच करती है, मैं उनके बारे में आपको व्हाट्सएप पे जानकारी भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको जानकारी भेज दूंगा। अच्छा ये जो है ये मैं ये इसकी चीज़ कोई इसके लिए कोई आपको ऐसा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ना मैं कोई आपसे पैसा लूँगा, ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फीस उस करवाना है, कुछ नहीं। ये उन्हीं लोगों को सर्विस मिल पाएगी जो लोग ऑलरेडी पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनकी जानकारी मेरे पास है, पूरा नाम, बायोडाटा, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डॉक्टर, बच्चे कहाँ रहते, क्या करते हैं, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। तो मैं उनमें से छांट लूँगा कि कौन सा व्यक्ति की प्रोफाइल मुझे मैच कर रही है इनके रिश्ते के लिए, तो मैं आपको और डिटेल भेज दूंगा कि सर आप दोनों लोग को मैं शेयर कर दूंगा, लड़की पक्ष वाले को लड़के का, लड़के पक्ष वाले को लड़की का प्रोफाइल सेंड कर दूंगा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप लोग चाहे तो एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए, मुझे जो प्रोफाइल अच्छी लगेगी मैं ये दूंगा, क्योंकि मैं लड़की के पक्ष वाले से कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, ना ही कोई उनका रजिस्ट्रेशन फीस, और फ्री ऑफ कॉस्ट भाई मैं उनकी मदद कर रहा हूँ यार, जिस तरह आपकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ, बदले में 4 पैसे ले रहा हूँ, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है, तो मेरी भी बहन बेटी, मेरी भी 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं भी गरीब गाँव घर का देहात का लड़का हूँ, मुझे भी मालूम है बहनों को शादी करने में कितना खर्च आता है, अभी मुझे 4 बहनों की शादी करना, भाई साहब 4 बहनों की शादी करना है, कोई सरकारी नौकरी, कोई महीने को 2-4 लाख रुपए नहीं कमाता हूँ, कोई 50 हज़ार भी फिक्स नहीं कमाता हूँ, अरे छोड़ो 15 हज़ार भी फिक्स नहीं है कोई,
तो मुझे मालूम है भाई साहब शादी में कितना खर्च बैठता है और क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए उन बहन बेटियों के लिए मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं रिश्ता उनके लिए भेजूँगा, देखूँगा। और आप में से जिस किसी की भी प्रोफाइल मुझे पसंद आएगी, मुझे अच्छी लगेगी, जिस किसी की भी प्रोफाइल उस लायक होगी जो मैं दूसरे प्रोफाइल से मैच करा सकता हूँ, तो वो प्रोफाइल मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगा, उसका ही, उसका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं भाई साहब, ये आपके लिए फ्री है। बस आप लोग से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब आप में से जिस भी व्यक्ति का घर बस जाए, जिस भी व्यक्ति का शादी हो, डेट पड़ जाए, बातचीत फिक्स हो जाए, आप शादी विवाह करके आप अपने लाइफ में खुश रहिए। मुझे रजिस्ट्रेशन के बाद के एक रुपया भी नहीं चाहिए, ना ही मैं कहीं आपका पैसा दिलाऊंगा, ना ही जाने दूंगा। बस एक आप काम कीजिएगा कि जब आपका शादी विवाह हो जाए, जब आप जिंदगी में खुश हो जाए, बस एक इस रवि भाई को ना एक आशीर्वाद दे दीजिएगा, बेटा भाई दोस्त जहाँ भी है खुश रहा, बस यही चाहिए। आप मुझे कुछ भी मत देना शादी विवाह होने के बाद, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दे देना, बस यही मेरे लिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, उसका कुछ भी भरोसा नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप में से जिन लोगों का अगर बातचीत चल रही है, जिन लोगों की, उन सभी लोगों से, आप सभी लोगों से कहता हूँ कि कल के डेट में आपका किसी का शादी या रिश्ता फिक्स होता है, या आप में से जिन भी लोगों का फिक्स होता है, आप लोगों ने मुझसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि रवि भाई अगर मेरा रिश्ता फिक्स हो जाएगा मैं तुमको 10 दूंगा 20 दूंगा 50 दूंगा, न जाने कौन कौन कितना कितना कहते हैं, मैं सबको कहता हूँ सर एक अठन्नी भी मत देना, एक चवन्नी भी मत देना, एक रुपया भी मत देना, बस सिर्फ मेरे को आशीर्वाद दे देना कि जा बेटा जा भाई, तू जहाँ है खुश रहा, बस यही चाहता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आपको थोड़ी बहुत भी खुशी दे पाता हूँ ना, लगता है कि मैं खुश हूँ। हाँ, बहुत दिनों से एक बात मैं नोट कर रहा था, कहना चाह रहा था आपसे लेकिन कह नहीं पा रहा था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी में, जो पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, जो तकलीफें थी, जो दर्द था, वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद जीरो, खत्म, सच कह रहा हूँ। पहले जब अकेले रहा करता था तो कभी कभी बहुत सोचा करता था, आगे सोचता था, पीछे सोचता था, वही पुराने दुख दर्द, पुराने ख्याल में दिन रात पड़ा रहता था, रोना गाना उसमें सब वही चला रहता था, परेशान हुआ करता था, सोचता था अब लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं, कैसे क्या कुछ हो आगे। लेकिन जब से आपसे मिला हूँ ना यार, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं अपना दर्द भूल गया, मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ अपने लाइफ में, आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप में से कब कौन फ़ोन करके हेलो रवि भाई कैसे हो, आओ चिकन खा लो, आओ सब्जी खा लो, तुम क्या दाल चावल खा रहे हो, चटनी भात खा रहे हो, आओ मेरे इधर आओ चाय पी के जाओ, मज़ा आता है इस काम को करने में, मज़ा आता है। जब से अरे लोग यूट्यूबर जो है ना पागल हैं, वो लोग जो अपना कॉन्टेक्ट नंबर देने से डरता है, अरे भाई कॉन्टेक्ट नंबर दो, तुम लोग तुमसे बात करेंगे, तुम चाहते हो ना, जो लोग कुछ कहते अरे मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स है, अरे घंटा तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स है, वो मजबूर है बेचारे कि तुम्हारे यहाँ पे आके तुम्हारी वीडियो देख रहे हो और तुम उनका नजायज फायदा उठा रहे हो, व्यूवर्स बढ़ा रहे हो, मर्द हो, हिम्मत है, ताकत है, सही काम कर रहे हो, तो बुलाओ ना उनको अपने ऑफिस, अपने घर, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, और मिलो उनसे, दो उनको नंबर, बात करो उनसे, समस्या समझो, उनके समस्या का समाधान करो, तब तो आदमी समझेगा ना कि हाँ तुम नेक काम करो, इसके लिए लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं या तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, आज जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, आज है 10 अप्रैल है, और मैंने ये डिसाइड किया हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे डाउट कर रहे थे, मेरे से सवाल जवाब कर रहे थे, अरे रवि भैया तुम पैसा लेके भाग गए थे क्या, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, ये वो, तो भैया दोस्तों मैं 3 हफ्ते के अंदर में आपको डिसीजन क्लियर कर दूंगा कि मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे से मिलना चाहते मेरे घर पे आए, मेरे गाँव में आए, मेरे ऑफिस आए, जहाँ दिल करे वहाँ आए, मैं खुद मिलना चाहता हूँ यार, गलत नहीं कर रहा हूँ, तो टेंशन किस बात का, डर किस बात का है, अरे डरता तो वो है जो गलत करता है, वो छुपता है,
मैं जब गलत नहीं कर रहा हूँ, जब आप मेरे से इतना कनेक्ट हो, जब आप अपने घर पे बुला के दाल रोटी खाने की बात कर सकते हो, आप जब खुद कहते हो साला पैसा 1500, रिश्ता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता, तो मेरी औकात क्या है कि मैं आपसे डर के भागूं? जब मैं खुद सही कर रहा हूँ तभी तो आप सामने से मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे क्या डर है कि मैं आपसे डर के भागूं? अरे मैंने तो पहले भी कहा था भैया, जो मिलना चाहता आके मिले, मेरे से मिल सकता है, बिंदास मिल सकता है। सही काम करने वाले को कोई डर नहीं। अरे डर तो उसको रहता ना जो आपको पैसा 4000, 5000, 10000, 20000, 40000 लेके भाग के फोन स्विच ऑफ कर दिया, वो आपसे मिलने के लिए डरेगा? मैं नहीं डरता, आओ। अच्छा हाँ, मैं क्लियर करूंगा, मैं आपको मान लीजिए जैसे एक दिन मिलना है तो उसके 2 से 3 हफ्ते पहले ही आपको बता कर रख दूंगा, भैया मेरा ये एड्रेस, मेरे गांव घर है, आप में से जो भी व्यक्ति मिलना चाहते मेरे एड्रेस पे आके मेरे से मुलाकात कर सकता है, और मैं भी आपसे मिलने के लिए यार बेचैन हूँ। मेरे पिताजी, मम्मी और पापा दोनों लोग कहते हैं कि आप में से जो लोग फोन पे बात करते ना कि चाचा पापा जी कैसे हैं, तो लोग भी बोलते हैं कि बुला बेटा कभी खाने पर उनको, या बुलाओ कभी मिलते हैं उनसे, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ, फोन पे भी कई बार मैंने कहा था कि आप में से जो लोग सोचते हैं कि मैं एक मैरिज ब्यूरो वाला इंसान हूँ, शादी ब्याह कराता हूँ, तो भाइयों ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं एक यूट्यूबर हूँ भाई, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, और इसलिए कहीं से रिश्ता लेके, कहीं से जानकारी लेके, कहीं से रिश्ता लेता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। जो मेहनत करता हूँ उस मेहनत के बदले में आपसे 100, 200, 500 की डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ, बस और कुछ नहीं यार। पैसे कमाने का कोई वो नहीं कि पैसे मुझे कमाने हैं, करोड़ों की घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, गाड़ी लेना है, वो सब कुछ जिंदगी जी के छोड़ दिया हूँ, करके देख लिया हूँ, बड़ी बात नहीं कहूँगा। एक समय था, सन 2020 की बात है, महीने का 10000 पर रेंट भरता था। आप में से हो सकता है किसी के लिए ये कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे जैसे गांव के यार रहने वाले आदमी को शहर में जाके कितना कमा रहा है, और फिर महीने का 10000 रुपया रूम का किराया भर रहा है, 2 BHK फ्लैट के अंदर रह रहा है भाड़े पे, और उसका महीने का 12000 रुपया किराया था, स्टार्टिंग का एक साल का 10 था, दूसरे साल का 12000 रुपये किराया भर रहा है, 12000 रुपये अगर वो रेंट भर रहा है, किराया भर रहा है, तो सारा कमा कितना रहा होगा? बड़ी बात नहीं करूँ, जस्ट एक बात बता रहा हूँ, जो आप में से सोचते होंगे ना पैसे के लिए काम कर रहा है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर पैसे ही कमाने होते तो इस गरीब खाने में, उस मड़ई की स्टूडियो में बैठकर वीडियो नहीं बनाता आपके लिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता। आज ईमानदारी से हूँ इसलिए शायद गरीब हूँ, पीछे हूँ, नहीं मालूम क्या क्या कहता हूँ, आप फिर सोचेंगे पागल है, इस पागल की वीडियो नहीं देखना चाहिए, ये मतलब की तो बात नहीं करता है, अपनी बात करता है। थैंक यू सो मच, अभी तक आपने ये वीडियो देखा नहीं।